गुज़िश्ता रोज होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीके इंसाफ को अपसेट शिकस्त का सामना है। तहरीके इंसाफ अब तक मेयर की कोई नशिस्त नहीं जीत सकी। पिशावर से जमीयत उलमा इस्लाम फेह के उम्मीदवार मेयर मुंतखब हुए हैं, जबकि तहसील कौंसिल की सीटों पर भी जमीयत उलमा इस्लाम सबसे आगे है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान की जमात तहरीके इंसाफ की शिकस्त होने के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर। 22 करोड़ अवाम के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली के दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग अपने माथे पर सजा कर वो जा रही है तब्दीली। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीटीआई ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। वजीर इत्तला शौकत यूसुफ़ज़ई ने शिकस्त की वजह महंगाई को करार दिया है।